जो लोग मुनव्वर फारूकी के ऊपर उंगलियां उठाते थे, आज जो है मुनव्वर फारूकी ने उनकी उंगली नीचे नहीं उनकी उंगली तोड़ के साइड में फेंक दी है कि अब के बाद वो किसी और के ऊपर भी अपनी उंगली जो है वो उठा ना पाए। मैं किसकी बात कर रही हूँ? हेटर्स की, जो कि हेटर्स जो है मुनव्वर फारूकी के बारे में ये चीज़ बोलते हैं कि ये लड़की बाज है, और वैसे भी जो है एक नाजिला नाजिला बोलते हैं, और नाजिला ने भी अभी ट्वीट किया था, और इसीलिए जो है वो भी इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको भी ये धोखा दे रहा। और अभी अभी यार एक जो क्लाउड चेजर है, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया नहीं था, ट्वीट करके मैंने आपसे बात की थी, कुछ लोगों को पता जो मेरे ट्विटर हैंडल पर मेरे साथ हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि एक लड़की जो है अचानक ही जब मुनव्वर बिग बॉस में है तब आ गई, पैदा हो गई, प्रकट हो गई कहीं से, और बोलने लग गई कि भाई एक बंदा है इंग्लिश बड़ा अच्छा अच्छा बोलता है, तो उसने मुझे प्रपोज किया, ये किया वो किया, बड़ा नाम उछाला उसने। जिस तरीके से वो बातें कर रही थी, नाम नहीं ले रही थी, पर सीधा टारगेट जो है मुनव्वर फारूकी के ऊपर था। उस लड़की के बारे में ना तो मैंने बात की, ना तो मैं बात करना चाहती थी। बड़ा हंगामा हुआ, बड़े डिबेट हुए, बहुत सब चीज़ें हुई। हालांकि मैं भी अगर डिबेट करती तो मैं शायद उस चीज़ से ज़्यादा कमा लेती, पर मैंने वो चीज़ें करनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ मैं ऐसे क्लाउड चेजर को चीयर्स नहीं करती हूँ। अभी रही बात कि मुनव्वर फारूकी का जो स्टैंड अप कॉमेडी शो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा इस आज के एपिसोड में जो है मुझे वो ही सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा। और मुनव्वर जैसे ही लग्जरी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक चिप्स देखते हैं, चिप्स को जब उठाते हैं बोलते हैं कि यादें बहुत जुड़ी है नाजिला, तो भाई जो बंदा खुले आम ये बात बोलता है कि हाँ मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा है, मेरे पास है, मेरी बीवी की शादी हो गई, अगर इतना ही सब चीज़ें बोलना होता तो वो अपनी बीवी के बारे में भी काफ़ी सारी बुरी बुरी बातें बोल सकता था, बट वो बोलता है मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। और रही बात नाजिला की, नाजिला के बारे में भी वो कभी भी कोई भी बात नहीं करता, वो बस ये बात बोलता है कि हाँ मैं एंगेज हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी शादी हो चुकी है, और मेरा डिवोर्स हो चुका है, और मेरा एक बच्चा है, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो इसी तरीके से जो नाजिला का नाम इतने कैमरा के सामने इतनी ऑडियंस को बोल सकता है और जिससे हक जता सकता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या ये छोटे मोटे आएंगे और बोलेंगे कि हाँ ये हम मुनव्वर ने हमें प्रपोज किया था, ये किया था, तो कोई भी उठ के मान लेगा क्या? तो मुनव्वर की इस बात से भाई उन हेटर्स की उंगलियां तो टूटी है, ये मेरा कहना है। आपका क्या कहना है बता दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।